हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग वर्ता भारत चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। दोस्तों, गुरु तेग बहादुर जयंती 2024 के अवसर पर आप जाने गुरु जी के कुछ अनमोल वचन, उनके बारे में थोड़ा हम जाने। गुरु तेग बहादुर की जयंती 21 अप्रैल को मनाई जाएगी। गुरु तेग बहादुर अनमोल विचार आज भी लोग के जीवन में अपना लागू करते हैं। गुरु तेग बहादुर नौवें गुरु थे सिख संप्रदाय के। इनका जन्म वैशाख पंचमी 21 अप्रैल 1621 में हुआ। पिता जन्म के समय इन्हें त्यागमल नाम दिया था। ये हिंदू परिवार में जन्म लिए थे। बाद में इन्हें लेकिन महज 14 साल की उम्र में ही ऐसी वीरता दिखाई, योद्धा गुरु तेग बहादुर के नाम से पुकारे जाने लगे। लगा तेग बहादुर जी भारतीय धर्म संस्कृति हिंदुत्व और धार्मिक स्वतंत्रता के लिए अथक संघर्ष किया है। तेग बहादुर 57 शब्द और 59 श्लोक श्री गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज है तेग बहादुर का। गुरु तेग बहादुर के अनमोल विचार आज लोगों को प्रेरित करता है। आज का लोग जो भटक गया है उसको इनका विचार प्रेरित करता है। जीवन को सही तरीके से जीने का तरीका सिखाता है। अगर किसी को समझ में नहीं आता है तो इन्हीं महापुरुषों के जो कुछ अनमोल वचन है उससे आदमी को जीने की तरीका सीखना चाहिए। गुरु तेग बहादुर की जयंती पर गुरु तेग बहादुर के जयंती पर कुछ मोटिवेशनल थॉट जो है आज के जो यंग जनरेशन को सुनना चाहिए, वैसे भी सुनना चाहिए, जिससे कि अपने दैनिक दिनचर्या जो है का जो है सही से लागू कर सके, अपने आचार विचार को जिंदगी पर सही से लागू कर सके और तरक्की के राह पर चले। गुरु तेग बहादुर के अनमोल वचन है, सफलता कभी अंतिम नहीं होती, विफलता कभी घातक नहीं होती। इसमें जो मायने रखता है वो है हिम्मत। ये तो सही बात है। सफलता कभी अंतिम नहीं होती, विफलता कभी घातक नहीं होती। जो मायने रखता है वो हिम्मत रखती है। गुरु तेग बहादुर कहते हैं, डर कहीं और नहीं, बस आपके दिमाग में। कितना अनमोल वचन है इनका, सुन के ही लगता है जैसे कि कितना हिम्मत बनता है। गुरु तेग बहादुर के मुताबिक एक सज्जन व्यक्ति वह होता है जो कभी भी जाने अनजाने में किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचाता। इसके बाद इनका दूसरा विचार, आध्यात्मिक मार्ग पर दो सबसे कठिन परीक्षा है। आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हैं तो कठिन परीक्षा है। इस सही समय की प्रतीक्षा करने का धैर्य, पेशेंस, और जो सामने आए उससे निराश ना होने का साहस। जो सामने आए उससे निराश नहीं होना है, जो आने वाला है उसके लिए धैर्य, उसके लिए पेशेंस। सिखों के नौवे गुरु तेग बहादुर ने कहा, हर प्राणी के लिए अपने मन में दया का भाव रखें। हर पानी के प्राणी के लिए, चाहे पशु पक्षी जानवर आदमी, किसी हर चीज के लिए आप मन में दया रखें, क्योंकि घृणा और नफरत से केवल विनाश होता है। किसी की प्रगाढ़ता से प्रेम करना आपको साहस देता है। प्रेम होता है तो आपको हिम्मत होता है। किसी से आप दया करेंगे तो आपको हिम्मत होगा, शांति मिलेगा दिमाग को, मन को। अगर आप किसी से नफरत करेंगे तो सबसे पहले यहां पर आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा, दिल काम करना बंद कर देगा। आप जिसके लिए नफरत कर रहे हैं उसका नुकसान नहीं होगा, आपका खुद का नुकसान होगा।
तो वो तेग बहादुर जी, तेग बहादुर जो गुरु तेग बहादुर ने ये कहा। और दूसरे और उनकी दोनों दूसरे अनमोल वचन, हार जीत यह आपकी सोच पर निर्भर है, मान लो तो हार, छान लो तो जीत, माव लो तो हार, छान लो तो जीत, आपकी सोच पर है। कोई चीज में अगर आपको लगे कि मेरी हार हो गई, अगर सोचे उसका दूसरे तरह से आप सोचे तो जीत, दूसरे आप अगर लो एनर्जी के साथ सोचेंगे तो हार, अगर हिम्मत के साथ सोचेंगे तो जीत, कि ये अगर हुआ है तो इससे भी हम कुछ अच्छा और हो सकता है, इससे भी कुछ अच्छा कर लेंगे, तो वो आपके मानने पर है हार है या जीत है। गलतियां हमेशा माफ की जा सकती है, गलती हमेशा माफ की जा सकती है यदि आपके पास उन्हें स्वीकार करने का साहस हो। गलती आप माफ कर दीजिए किसी का, आपके पास हिम्मत हो उसकी गलती को माफ करना, उसने जो किया है चलो उसका उसको स्वीकार करने का आपके पास हिम्मत होना चाहिए, साहस होना चाहिए, तभी आप किसी की गलती को माफ कर सकते हैं। गुरु तेग बहादुर का कहना है कि छोटे छोटे कार्यों से भी महान कार्य बनते हैं। छोटे छोटे कार्य, किसी को आप खाना खिला दिए, कोई अगर बीमार है तो उसको, अगर बीमार है उसके पास पैसे नहीं है तो उसको डॉक्टर को दिखा दिए, उसको दवाई दिलवा दिए, कोई अगर बच्चा है स्कूल, अगर इंटेलिजेंट है पढ़ना चाहता हो तो उसको स्कूल में एडमिशन करा दिए, इस टाइप का स्कूल में एडमिशन करा दिए, कोई अगर सर्दी से कांप रहा है तो उसको कंबल दे दिए। इस तरह छोटे छोटे कार्य जो है वो भी बहुत छोटा नहीं होता, वो भी बहुत बहुत बड़ा कार्य होता है। गुरु जी का कथन है, चिंता उसकी करो जो अनहोनी हो, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी हो, चिंता उसकी करो जो अनहोनी है, जो नहीं, जो उसको आप जानते नहीं। इस संसार में तो कुछ भी अस्थिर नहीं है, इस दुनिया में कुछ भी अस्थिर नहीं है। गुरु तेग बहादुर कहते हैं कि समरसता सहज जीवन जीने का सबसे सशक्त आधार है। उनका एक और अनमोल वचन, नह निंदिया नहीं उस तति जाके लोभ मोह अभिमाना, हरख सोगते हरे न्यारऊ नाहि माना अपमाना। गुरु जी का कहना है कि वैराग्यपूर्ण दृष्टि से संसार में रहते हुए सभी सकारात्मक नकारात्मक भावों से निर्लिप्त होकर सुखी और सहज जीवन जिया जा सकता है। तो कहने का मतलब उनका कितना, उनके जो अनमोल वचन है वो कितना सही है, आदमी अगर जिंदगी में उसको उतारेगा तो आदमी खराब हो ही नहीं सकता है, कोई किसी में खराबी आ ही नहीं सकती। गुस्सा किसी से, किसी बात पे हम जीत हार, यही सब तो आदमी का अभिमान का कारण है। जो गुरु जी के हिसाब से ये सारे अनमोल वचन जो है वो आदमी को अपने जीवन में जरूर उतारना चाहिए। तो बस इतना ही, उनके जयंती पर, गुरु तेग बहादुर जी के जयंती पर ये अनमोल जो विचार हैं उनको मैं कुछ चंद शब्द दोस्तों आपको बताई। तो कैसा लगा मेरा वीडियो, अगर सही लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, और ये जो गुरु तेग बहादुर जी का विचार है, अनमोल वचन है इनके, वो कोशिश कीजिए अपने जीवन में उतारने का। ये अगर इनके अनमोल वचन जो जीवन में आप उतारेंगे तो सारे समस्या अपने आप आपके जिंदगी से निकल जाएंगे और आप शांत और शांत समृद्ध रहेंगे। तब तक इतना ही, फिर मिलती हूँ इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।